संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभिभाव समास का अध्ययन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे दो से तीन वीडियो में अभिभाव समास संपूर्ण समाप्त कर दिया जाए। हमने तीन विधि को जाना था, विधि नहीं तीन सूत्र, तीन प्रकार के सूत्रों को जाना था। प्रथम प्रकार के सूत्र वो हैं जिनसे समास होता है, दूसरे प्रकार के सूत्र वो थे जिनमें समास या जो शब्द होते हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। तीसरे प्रकार के जो हमने सूत्र जाने थे वो थे जिनसे टच प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा। और आशा कर रहा हूँ आपने वीडियो के माध्यम से कुछ अध्ययन किया है तो उन सूत्रों को कंठस्थ करने का प्रयास किया होगा। बिना सूत्रों को कंठस्थ किए आप हजारों बार देखिए, लाखों बार देखिए, आप भूल भूल जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक विभक्ति का देख लिया था। पहला जो सूत्र है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाला, उसमें विभक्ति का अधिहरी और अधिस्त्री ध्यान लिया था। आज 16 जो शब्द हैं, 16 शब्दों के हम दो से तीन उदाहरण के जरिए देखेंगे। हो सकता है एक कम हो जाए, ये दो या तीन या चार जितने भी होंगे उदाहरण उनको देने का प्रयास करेंगे और एक शब्द की सिद्धि फिर देखेंगे आज, और उसके सातों विभक्तियों में कैसे रूप चलते हैं विभाव समास के वो देखने का प्रयास करेंगे। सातों विभक्ति और तीनों वचनों में किस प्रकार से रूप चलते हैं आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है, जो 16 शब्द जाने थे उनको क्रम से लिखने के बाद मैं उनके उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण देते हुए उनके दो शब्द चीजें बताई थी मैंने, उदाहरण बताएंगे, लौकिक विग्रह बताएंगे और अलौकिक विग्रह बताएंगे। एक शब्द की सिद्धि हमने जान ली है, 90% हिस्सा उसी का है। दूसरा शब्द की सिद्धि आज जानेंगे, 5% हिस्सा इसका रहेगा और एक सिद्धि अगले आने वाले समय में एक शब्द की और जानेंगे, 5% हिस्सा उसका हो जाएगा। इस तीन प्रकार के शब्दों की सिद्धि जानने पर संपूर्ण शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि अव्यय के बाद में विभक्ति से शुरू हुआ था तो प्रथम स्थान पर डालते हैं विभक्ति, यानी विभक्ति के अर्थ में लेंगे इसको समीप समृद्धि वृद्धि अत्यय अर्थाभाव असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव नमाहें यथा पश्चात पश्चात यथा यथा के तीन भाग हो जाते हैं। नंबर एक योग्यता, नंबर दो बीपसा और नंबर तीन अतिक्रमण। ठीक है, विभक्ति के अर्थ में उदाहरण है, नंबर एक था अधिहरी, अधिस्त्री और तीसरा है अधिगोपम। अधिगोपम को हम तीसरी बार वीडियो में जाकर के देखेंगे। अधिहरु हरौ इति, स्त्रीषु इति, गोपी इति, ये हमने लौकिक विग्रह है होता है इस प्रकार से जान लिया है। आप पिछली वीडियो देखें
यदि आप नए चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि उसमें हमने अधिहरि को पूरा सिद्ध करके बताया है कि कैसे ये शब्द बनता है या समास कैसे पूर्ण बनता है। उसमें लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार से इसमें बताया है। समीप के अर्थ में ये विभक्ति के अर्थ में हो गया, विभक्ति के साथ में ये यहां याद रखना, ये अर्थ में बता रहे हैं। यहां पे एक मैं बता दूं आपको, इसका तात्पर्य है अर्थ में। समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, वृद्धि अत्य अर्थभाव, इसमें उल्टा हो गया थोड़ा, अर्थभाव और अत्य। असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, ये इनके अर्थ में उदाहरण है, याद रखना है। समीप के अर्थ में जैसे उपकृषणम है, दूसरा है उपनगरम, आप जो भी लगाना चाहें उप लगा दीजिए उसके आगे, उपकुंभम, उपकूलम बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, क्योंकि इसी के अर्थ में है तो याद करना, इसको सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां से आपको जब विग्रह किया जाएगा, पहली बात तो ये नित्य समास होते हैं, इनका विग्रह होता नहीं, फिर भी क्योंकि प्रश्न जो है ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसका विग्रह जो होगा वो इनके अर्थों में सीधे सीधे हो जाएगा। जैसे यहां पर समीप शब्द लगा हुआ है तो कृष्ण, हिंदी में थोड़ा सा इसको करेंगे तो कृष्ण समीप है, कृष्ण समीप इसका मतलब, तो कृष्ण समीप का अर्थ क्या निकला, कृष्ण के समीप। तो कृष्ण के समीप में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी का प्रयोग होगा। तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया कृष्ण शब्द में, तो कृष्णस्य समीपम सीधा प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि समीप हमारे पास है और कृष्ण शब्द है कृष्ण के पास, तो कृष्ण के पास जो अर्थ निकलेगा उसका विग्रह जो होगा कृष्णस्य समीपम। उपनगरम, तो उपनगरम नगरस्य समीपम, ऐसे ही कुंभस्य समीपम, कूलस्य समीपम, इस तरह से इसको प्रयोग करेंगे आप। अब बात आती है कि इसका अलौकिक विग्रह कैसे होगा। अलौकिक विग्रह में जैसे कृष्णस्य समीपम है हमारे पास, तो कृष्णस्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, मैंने बताया था अलौकिक विग्रह में पूरे विभक्ति में जो सुवंत लगते हैं उनका प्रयोग होता है इसमें। तो कृष्ण शब्द लिख करके, कृष्ण शब्द लिख करके नस, सुप सुप है ना, ये सुप्रत्यय नस प्रयोग करने के बाद उप उपसर्ग इसमें अव्यय इसमें प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो गया अलौकिक विग्रह, ठीक है। ऐसे ही सभी में हम अलौकिक विग्रह कर सकते हैं, उसके बाद में फिर पूरी सिद्धियां करी जाएंगी। जो मैंने सिद्धि बताई है इसमें, अगर इसको देख लिया है तो ये सारी सिद्धियां अपने आप से हो जाएंगे। एक सूत्र इसमें अलग से लगेगा, वो मैं जब बताऊंगा अंतिम में उपकृष्ण की, इसकी सिद्धि करके आज बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। समृद्धि सुमद्रम, सुमगधम, सुभारतम, ठीक है। समृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, संपत्ति में बढ़ना। अब यहां पे संपत्ति भी है, संपत्ति आगे आएगा, संपत्ति और समृद्धि में अंतर होता है। समृद्धि जो होती है वो धन धान से संबंधित होती है, समृद्धि जो बढ़ती है वो धन धान या धन से संबंधित होती है। संपत्ति जो होती है व्यक्तिगत होती है, जैसे छत्राणाम संपत्ति, यानी क्षत्रियों की जो संपत्ति है उसका क्षत्रित्व बढ़ रहा है, यानी क्षेत्र उसकी शक्ति बढ़ रही है, वो संपत्ति उस तरह से कहलाती है। मैं और आगे जब सिद्ध बताऊंगा उसको, सूत्रों को बताऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो ये मद्र है, मद्र देश के जो वासी हैं उनकी समृद्धि बढ़ रही है, तो इसका लौकिक जो विग्रह होगा मद्र के लोगों की समृद्धि, इस तरह से होगा हिंदी में। अब इसकी संस्कृत में कैसे करेंगे, मद्राणाम समृद्धि, मैंने बताया कि इन्हीं को शब्दों को इसमें प्रयोग कर देते हैं, ये लुप्त हो जाता है, जो अव्यय होता है वो चला जाता है। ये हमने पहले जान लिया था कि इनकी जगह के हम समानार्थी प्रयोग करते हैं, तो समानार्थी के लिए ये सूत्र बना, अन्यथा सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने सूत्र जब अभी समास शुरू किए थे तभी आपको बताया था कि
कि समास में जितने भी सूत्र प्रयोग हुए थे, या यह मान के चलिए पाणिनि अष्टाध्यायी में जो भी सूत्र प्रयोग किए गए हैं, जो साधारण नियम लगते हैं उनसे हटकर के कोई कार्य किया जाता है तो उनका प्रयोग हो जाता है। साधारण नियम तो सीधे सीधे ये ऐसे ही नित्य समास रहता और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उसके अर्थ में प्रयोग करने के लिए इन्हीं शब्दों को उठा करके यहां प्रयोग कर देते हैं। तो मद्राणाम समृद्धि, इस तरह से इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा, मगधानाम समृद्धि, भारतानाम समृद्धि, भारतीयों की समृद्धि। तो इस तरह से बनने पर लौकिक विग्रह हो जाएगा। अब बात आती है कि अलौकिक विग्रह कैसे होगा, क्योंकि षष्ठी यहां पर तो षष्ठी का एक वचन था तो नस का प्रयोग किया गया, यहां पर षष्ठी का बहुवचन है तो आम का प्रयोग हो जाएगा। तो मद्र आम धन सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते हैं वृद्धि में। वृद्धि का मतलब होता है नाश, वृद्धि का मतलब नाश या दरिद्रता। यहां पर थी बढ़ना किसी चीज का, धन दौलत का बढ़ना, यहां नाश हो जाना, ये चीज है। दुर्यवनम दुर्वंगम और भी लगा सकते हैं आप उदाहरण ढूंढ करके। अब यहां पर जो लौकिक विग्रह है दुर्यवनम, यवन शब्द है और दुर इसमें अव्यय है, वृद्धि यानी नाश के लिए प्रयोग किया गया, याद रखना ये वृद्धि। तो यही शब्द ज्यों की जगह, ये दुर की जगह ये वृद्धि शब्द प्रयोग किया जाएगा, यवनों का, यवनों की दरिद्रता या यवनों का नाश, इस तरह से। तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा तो यवना नाम व्यरिद्धि, व्यरिद्धि शब्द इसमें प्रयोग कर लिया जाएगा, यवना नाम व्यरिद्धि, वंगा नाम व्यरिद्धि। इसका अलौकिक विग्रह कैसे होगा, यवन शब्द ज्यों की तो आ जाएगा क्योंकि बहुवचन का प्रयोग है तो आम, और दुर इसमें अव्यय है, ये अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह क्यों करते हैं, क्योंकि इसको पूरे को सिद्ध करना होता है। ठीक है, अर्थाभाव। अब दो प्रकार की चीजें हैं, अत्यमानी भी अभाव होता है, लेकिन अत्यमानी एक शब्द होता है समाप्त, समाप्त समाप्ति या समाप्त या नाश नष्ट, अब जो भी इसका प्रयोग करना, अत्य और अभाव इसमें भी लगा हुआ है। तो यहां पर अभाव होता किसी चीज का, होना ही नहीं है, यहां पर अत्य में होती हैं चीजें लेकिन वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसमें बस ये अंतर है। तो इसमें आ जाएगा निर्मक्षिकम, निर्जनम, निहिम, निर्मशकम, मशक मतलब मच्छर, मक्षिकम, निर्मक्षिकम, निर्जनम, निर्मशकम। अब ये कह रहा अर्थाभाव, ये अर्थाभाव के बारे में बात कर रहा है यहां। तो जो वस्तु है उसका अभाव होता है, ये सारी वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, पदार्थ के अंतर्गत मान लीजिए। तो मक्षिकम मक्खियों का अभाव, ये हिंदी हुई इसकी, इसको आप संस्कृत में करेंगे तो मैंने बताया इसी में से हम ले लेते हैं शब्द को। तो मक्खियां बहुत सारी हैं तो मक्षिकाणाम अभावा, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। जनानाम अभावा, मशकाणाम अभावा, ये इस तरह से ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह में मक्षिका, आम और निर, ये प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में सारी प्रक्रिया अधिहरि की तरह चलेगी। इसमें अत्यय में क्या होता है, अत्यय में चीजें होती हैं वो समाप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती हैं। जैसे अति हिमम या निर्हिमम, अब दो इसमें शब्द दे रखे हैं। कहीं कहीं कुछ विद्वान तो मानते हैं कि अति हिमम ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं निर्हिमम ठीक है,
इसलिए मैंने यहां दोनों लिख दिए हैं और दोनों आए तो आपको याद रखना है। दूसरा है अतिशीतम या निःशीतम, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए। अति शब्द लगा हुआ है और हिम शब्द लगा हुआ है, अति लुप्त होकर के अत्यय का प्रयोग हो जाएगा, हिम यानी कि बर्फ का नाश हो जाना, बर्फ पिघल करके नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो कहेंगे बर्फ का नाश हो जाना। तो हिमस्य अत्यय, ऐसे ही शीतस अत्यय, अत्यय यानी शीत का, शीतकाल है या ठंड है उसकी समाप्ति, ये अर्थ हो गया। ये लौकिक विग्रह हो गया सीधा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और इस शब्द का यहां पर प्रयोग कर लेते हैं। लौकिक करना हो इसको अलौकिक में तो हिम शब्द आ जाएगा, हिम मस और अति का प्रयोग करेंगे तो अति और निर का प्रयोग करेंगे तो निर, ये दोनों प्रयोग होते चले जाएंगे। ठीक है, असंप्रति, असंप्रति ना संप्रति इति असंप्रति, संप्रति का मतलब होता है उचित, लेकिन ना असंप्रति का मतलब अनुचित। कोई कार्य है ये कार्य करने का उचित समय है, ये कार्य करने का उचित समय नहीं है, ये दो अर्थ होते हैं। तो असंप्रति का मतलब ये कार्य करने का उचित समय नहीं है, असमय उचित इसके मान के चलिए। तो इसमें होता है अतिनिद्रा, अतिनिद्रम। दूसरा है अतिहासम। तीसरा है अतिक्रोधम। कोई भी आप उदाहरण देखते चले जाइए, उदाहरण तो एक तरह से सीखने का जरिए होते हैं। ठीक है, अब अतिनिद्रम असंप्रति के प्रयोग में किया गया, तो असंप्रति शब्द को ना लेकर के संप्रति ना युज्यते इस तरह से उसको प्रयोग किया जाता है। तो निद्रा संप्रति ना युज्यते, ये इसमें लौकिक विग्रह होगा। हास या हासम संप्रति ना युज्यते, यानी कि निद्रा इस समय उचित नहीं है। कोई होगा व्यक्ति, सूर्य निकल आया होगा, फिर वो सो रहा होगा, तो बताया होगा कि निद्रा इस समय उचित नहीं है, सूर्य से पहले ही जग जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा, निद्रा संप्रति ना युज्यते, निद्रा इस समय उचित नहीं है। अब इसमें समस्या आती है कि इसमें हम कौन सा सुबंत का प्रयोग किया जाना, अर्थ सुप्रत्यय कौन सा लगाया जाए। तो इसमें बोला गया है सीधा सीधा षष्ठी का ही प्रयोग करते हैं इसमें, निद्रा नस और अति, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा इसका, इसमें ये प्रयोग कर लेंगे। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव से तात्पर्य होता है किसी चीज को प्रकाशित करना या किसी चीज को दर्शाना, ये किसके द्वारा बताया गया, इस तरह से बताने के लिए जब भी कोई चीज आती है वो शब्द प्रादुर्भाव के अंतर शब्द अर्थ में आती है। जैसे इति पाणिनि, इति पाणिनि यानी ऐसा पाणिनि ने कहा, या ऐसा पाणिनि के शब्दों में है, कोई बात क्लिक करके इति पाणिनि ऐसा कर देते ना, तो उसका मतलब ये जो कुछ कहा है वो पाणिनि के द्वारा प्रकाशित हुआ है, पाणिनि ने उनको समझाया है। इति हरि, आप जो भी इसमें नाम रख दें कोई समस्या नहीं है। तीसरा इति पातंजलि, ठीक है, पतंजलि, पातंजलि नहीं पतंजलि, ठीक है। अब इसको विग्रह में करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से सीधा इसको ले लेंगे। अब शब्द प्रादुर्भाव जो है वो प्रकाश के अर्थ में होता है, शब्द के प्रकाश के अर्थ में होता है, तो यहां पर इसको लेकर के इति शब्द यहां से गायब हो जाता है। हम जानते ही हैं जितने भी अव्यय होते हैं वो सब लुप्त हो जाते हैं विग्रह करने पर, तो इसमें केवल पाणिनि शब्द, पाणिनि शब्द से प्रकाशः ये इसमें प्रयुक्त हो जाएगा, हरि शब्द से प्रकाशः, ऐसे पतंजलि शब्द से प्रकाशः, ये लौकिक विग्रह हो जाता है। अब हम जानते हैं षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो सीधे इसमें पाणिनि
नस और इति, ये प्रयोग होगा, ये अलौकिक विग्रह हो गया। मैंने जितने भी यहां कोष्टक में दिखाया है वो सब अलौकिक विग्रह हैं, इनको बस आपको याद रखना है। पश्चात अनु विष्णु, अनु गुरु, अनु भार्याम, आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। पश्चात शब्द का सीधा सीधा इसमें प्रयोग कर लेंगे, विष्णु पश्चात, गुरु पश्चात, भार्या पश्चात, भार्या पश्चात, यानी कि षष्ठी विभक्ति का सीधे प्रयोग करेंगे, गुरु के पश्चात, विष्णु के पश्चात, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके लौकिक विग्रह में सीधे सीधे हो जाएगा। अनु की जगह पश्चात का प्रयोग हो जाएगा। लौकिक अलौकिक विग्रह में क्या होगा, विष्णु शब्द लिख करके नस और अनु, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यथा शब्द में जो यथा है उसके तीन अर्थ लिए गए हैं, योग्यता अर्थ लिया गया है, विपसा अर्थ लिया गया है और अतिक्रमण अर्थ लिया गया है। योग्यता से तात्पर्य क्या होता है, इसका जो उदाहरण दिया है अनुरूपम, ठीक है, एक उदाहरण मिलता है इसका, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। यानी कि कहते ना कि आपको कभी कभी स्त्रियों से, लड़कियों से कह दिया जाता है कि आपको जो पति मिलेगा अनुरूप ही मिलेगा, आपके अनुरूप, या कार्य जो हो रहा है आपके अनुरूप ही कार्य हो रहा है। तो इसका जो विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, यहां से योग्यता अर्थ लिया जाएगा, रूपस्य योग्यम लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा, रूप नस और अनु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। मैंने केवल यहां अलौकिक विग्रह ही दर्शाए, लौकिक विग्रहों को बोलता गया हूं, याद रखना है आपको। विपसा का मतलब होता है द्वित्व होना, दो हो जाना किसी चीज के, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिनम, प्रत्यर्थम, प्रतिद्वारम, प्रतिदेशम, आप जो कुछ भी इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिनम जब इसका विग्रह किया जाएगा, समास विग्रह होगा, लौकिक में याद रखना है दिनम दिनम प्रति, द्वित्व हो गया ना दिन का, दिनम दिनम प्रति, ऐसी अर्थम अर्थम प्रति, द्वारम द्वारम प्रति, देशम देशम प्रति, ये सीधे सीधे लौकिक विग्रह हो गया। और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो क्या हो जाएगा इसमें, दिन अम प्रति, ठीक है। ऐसे ही अतिक्रमण, अतिक्रमण में अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करके इसके अर्थ लिया जाएगा, यथाशक्ति उदाहरण के तौर पर, यथा शक्ति, अरे शायद आ नहीं रहा है, कुछ चीजें इसमें आ नहीं रही हैं, एक मिनट, ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं, ये यहां पर ये अनतिक्रमण है, ठीक है। ये अर्थ जो है अनतिक्रमण, अनतिक्रमण का तात्पर्य क्या होता है, अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करके। अर्थ तुमने ठीक बताया था लेकिन गलत लग गया था। यथाशक्ति है, यथामति है, बोला तो मैंने है, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई बात नहीं। यथा कालम है, यथा शब्द के बाद में आप जो भी लगा देंगे वो इसमें प्रयोग कर लिया जाएगा। तो यथाशक्ति का अतिक्रमण्य प्रयोग करके सीधे इसमें विग्रह करते हैं, शक्तिम अनतिक्रम, सीधा इसमें प्रयोग कर लीजिए, मतिम अनतिक्रम्य, ये इस तरह से व्याख्या हो जाएगी। तो ये इसमें इसी तरह से होगा,
10 हो गए हैं, 6 बचे हैं, उनको हम अगली बार में इसमें देखने का प्रयास करेंगे। अभी छह रह गए हैं। वो सोच रहा हूं मैं अगली बार से बता दूं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, एक इसमें हमको शब्द की सिद्धि भी करनी है। तो यथाशक्ति यथामति यथाकालम आपको समझ में आ गया होगा, और इसका अलौकिक विग्रह भी करना हो आपको, क्योंकि अलग अलौकिक विग्रह नहीं बताया था, क्योंकि अधिहरि तो हमने शब्द समझ लिया था, लेकिन उपकृष्णम जितने भी मैंने आगे के शब्द समझाए हैं दो प्रकार के हैं, एक में तो मां मकारांत है और एक सादा है शब्द। तो सादा शब्द के बारे में तो पूरी व्यवस्था मैंने दे दी है, वो एक जैसी ही चलेगी। अब इसमें मां है अधिगोपम में, तो ये मां कहां से आया आज मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज, उपकृष्णम के सारे विभक्तियों में, यही लिख देता हूं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, अब थोड़ा ऐसे बड़ा कर लें, ठीक है, इनमें रूप चलेंगे इनके। एक वचन द्विवचन और बहुवचनम, सही है। अब मैं यहां पर सिद्ध करता जाऊंगा और यहां पर इनको दर्शाता जाऊंगा, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। उपकृष्णम है, उपकृष्णम ये शब्द है, इसका लौकिक जो विग्रह होता है लौकिक विग्रह कैसे होता है, कृष्णस्य समीपम, ठीक है। अलौकिक विग्रह कैसे होगा, अलौकिक विग्रह मैंने बताया था कि जो भी सुवंत हैं, सुप्रत्यय हैं, सुवंत नहीं सुप्रत्यय हैं, उनका सीधा प्रयोग कर देते हैं और अव्यय दे रखा होता, ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है उपकृष्णम, ठीक है। तो मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं, कृष्ण नस और उप, हमने जाना था एक सूत्र आता है कृत तद्धित समासाश्च, ठीक है, इसके द्वारा इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाती है, प्रातपदिक संज्ञा होने से दूसरा सूत्र लग जाता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो, जब ये लगता है तो इसमें जो सुप प्रत्यय है वो उसका लोप हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कृष्ण उप। ये जो उप है इसमें भी सुप प्रत्यय होता है, लेकिन मैंने बताया था अव्ययाद आप सुपहा एक सूत्र के द्वारा अव्यय से बाद में जितने भी सुप प्रत्यय होते हैं उनका लुक हो जाता है, तो हमारे पास ये बन गया कृष्ण उप। लेकिन हमको करना क्या है, उप पहले रखना है और कृष्ण बाद में करना है, तो इसके लिए फिर एक सूत्र लगता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक है। तो इसकी क्या होगा, इसकी क्योंकि प्रथमा विभक्ति के द्वारा मैंने पहले दिन बताया था, आपने नहीं देखा वीडियो तो पहला जरूर देख लें, क्योंकि जो अव्यय है वो प्रथम विभक्ति में प्रयोग किया गया है सूत्र में, इसलिए इसकी
जो प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट था अव्यय, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है और उपसर्जन संज्ञा होने पर उपसर्जनम पूर्वम ये सूत्र लग जाएगा, अर्थात उपसर्ग के पहले आदेश हो जाएगा, यानी उपसर्ग जो है वो पूर्व में प्रयुक्त किया जाएगा। तो इसकी उपसर्ग संज्ञा हुई तो ये पहले चला जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी उपकृष्ण। ठीक है, अब हमारे पास यही तो सिद्ध करना था, लेकिन अभी चीज आदि है क्योंकि मां भी नहीं है और इसके रूप भी चल जाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है। मैंने एक बताया था, एक देश विकृत मनन्यवत एक न्याय है, इस न्याय से इसकी प्रातपदिक संज्ञा अक्षुण्य बनी रहती है, जब वो बनी रहती है तो फिर हमारा सुवजस हम औषष्टाभ्याम वे सुप्रत्यय में से इसमें सीधे सुप्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। तो सुप्रत्यय में याद रखना है हमको सबसे पहले, क्योंकि हम पहले का ही प्रयोग करेंगे तो इसलिए सु इसमें प्रयोग होगा, यह हमारे पास स्थिति बन गई। अब हमने एक सूत्र जाना था, जब अधिहरी का जाना था, अव्ययाद आप सुपह अभिभाव अव्ययी भावश्च, ठीक है, अभिभावश्च इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, और दूसरा सूत्र लगता था इसमें अव्यया सुपहा, अर्थात अव्ययाद आप सुपहा से जो अभिभाव समास होते हैं या अव्ययाद समास के अंतर्गत आने वाले जो भी हैं सुप्रत्यय उनका लोप हो जाता है। लेकिन इसमें एक अगला सूत्र और लग जाता है जो मैंने बताया था आपको, शायद याद हो, तीसरा सूत्र है, ठीक है, ना अव्ययी भावाद अतो अम त्व पंचम्या, ठीक है, ये लग जाता है, मतलब जो अदंत होते हैं अत से अंत होने वाले जो समास होते हैं या अक्षर बाण जो शब्द होते हैं उनसे सुप का लुक नहीं होता, उनका क्या हो जाता है अतो अम, उनका अम आदेश हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा उप कृष्ण और अम हो जाएगा। और एक सूत्र लगता है अमी पूर्वम लगते ही ये पूर्व में पूर्व के जैसा ही आचरण करने लग जाता है, तो उपकृष्णम ये बन जाएगा, यही हमको सिद्ध करना था उपकृष्णम। ठीक है, अब हमारे पास प्रथमा का उपकृष्णम रूप बन गया, क्योंकि हम जानते हैं इसके रूप नहीं चलते हैं तो सभी में एक जैसे ही रूप चलने लगेंगे, तो उपकृष्णम ऐसे इसमें द्वितीया में, लेकिन तृतीया में आते ही एक सूत्र आ जाता है और वो है सूत्र का नाम तृतीया सप्तम्योर बहुलम, ठीक है, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, अर्थात उपकृष्णम जो शब्द है यहां पर इसको मना कर दिया है पंचमी विभक्ति में, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, अब आपको थोड़ा सा और इसको मैं मिटा के दोबारा से इसमें यहां से फिर दोबारा से समझाता हूं, आशा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हमारी समस्या यहां पे अटकी है कि तीसरे में क्या होगा, तो तृतीया सप्तम बहुलम ये प्रयोग है, यहां से मैं ऊपर ले रहा हूं इसको मिटा करके, ये जो समास होता है वो कौन से सूत्र के द्वारा हो रहा है, हम दूसरे सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं,
अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि उसको याद रखना, वो यहाँ पर लगाना ही अवश्य होगा, उसके बाद में सारी प्रक्रिया है। चलिए यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो है वो उपकृषण और अम आदेश वाली प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले सु वाली प्रक्रिया है, इसको देखना है आपको। सु प्रत्यय है तो सु प्रत्यय में अमादेश जो हुआ है वो ना अभिभावात अतो अम तो अपंचम्या इसके द्वारा हुआ है, इससे अम आदेश होता है और अमी पूर्वम से ये बन जाता है। लेकिन जैसे ही तृतीय विभक्ति में आती हैं चीजें, इसलिए तृतीय और सप्तमी जो बोला गया है यानी कि सप्तमी विभक्ति इन तृतीय सप्तमी और बहुलम अर्थात तीसरी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में यह जो अम कार्य है वो बहुलता से होता है अर्थात हो भी जाता है और नहीं भी होता, ये दोनों ही कार्य है। तो इसमें एक रूप तो ये हमारा बनी जाएगा उपकृषणम उपकृषणम उपकृषणम। दूसरा जो बनेगा वो ये बनेगा कि इसको जो सु आदेश है वो बहुलता से ये ना हो करके सीधा सूत्र लग जाएगा तृतीया अमी, यहां से ये जो सूत्र लगा है इसके बाद अमी पूर्वम ना लग करके ये तृतीया बनेगा तृतीया सप्तम्यो बहुलम, ठीक है ये लग गया, इसने इसको बहुलता से इसका प्रयोग कर दिया। लेकिन यहां पर जो सु है क्योंकि हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो तीसरी विभक्ति में सु कभी नहीं आता क्योंकि यहां सुप का प्रयोग किया गया है, ना कि यह बताया गया है कि किस में कौन सा सुप का प्रत्यय लगेगा। तो हमको पता है तृतीय विभक्ति में टा लगता है, क्या लगता है टा लगता है, तो सुप का सु नहीं आकर के यहां टा आएगा। अब बात आती है आगे, एक सूत्र है टा नसी नसाम मिना स्या, टा नसी नसा मिना स्या मतलब क्या है इसका, टा नसी और नस ये तीन तो सुप्रत्यय हुए। अब इसमें इन यारा इन अत ये दो आदेश हो गए, इनकी जगह ये आदेश हो जाते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि यहां पर एक सूत्र लग रहा है ना ये अपंचम्या, अपंचम्या का मतलब पंचमी को छोड़ करके अम आदेश होता है इस सूत्र के द्वारा। जब पंचमी विभक्ति में चलेंगे तब पता चलेगा कि अम आदेश होता ही नहीं हुआ, यहां सीधे पंचमी का ही प्रयोग किया जाता है। ये बहुत विस्तृत में है चीजें लेकिन क्या है कि जल्दी जल्दी में हम सब भूल जाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसको इन आदेश हो जाएगा तो उप कृष्ण इन, इसके बाद गुण संज्ञा हो जाएगी और आद गुणा से उसको प्रयोग करके उप कृष्ण इन बन जाएगा उप कृष्ण इन। तो यहां पर जो दूसरा भाग होगा विकल्प में उपकृष्णयेन होगा, उपकृष्ण फिर इसके रूप चलेंगे जो है व्यवस्था। उपकृष्णाभ्याम उपकृष्णयेन, ठीक है चतुर्थी में फिर वही उपकृष्णम आ जाएगा उपकृष्णम। तो ये चतुर्थ विभक्ति में उपकृष्णम 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 हो गया। अब हम पांचवी विभक्ति का बात करते हैं, पंचमी विभक्ति में क्या होगा। पंचमी विभक्ति में हम फिर इसी सूत्र पे ही जाना पड़ेगा, ये जो सूत्र है ना अव्यभावात अतो अम तु अपंचम्या, ये सीधी बात करता है कि जो अभिभाव से जो मकारांत युक्त यानी अत युक्त जो शब्द हैं जैसे उपकृष्णम है जिनके अंत में अदंत है उनमें पंचमी विभक्ति में अम आदेश होता ही नहीं, ये निषेध कर देता है। ये वाला जो अम आदेश है वो होता ही नहीं, जब ये नहीं होता तो फिर क्या आदेश होता है। तो इसी में अब थोड़ा सा और जानते चलेंगे,
अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, ये यहीं तक था। इसमें एक और विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में यही सूत्र लगेगा और ये भी लगेगा, क्योंकि ये जो बताऊंगा, चलिए पहले पंचमी विभक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो पंचमी विभक्ति में हम जानते हैं कि नसी लगता है, तो उप कृष्ण नसी, इसमें इनका आदेश क्या हो जाता है, इन और आत, आत है ये, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रयोग होगा तो सीधे इसका आत आदेश हो जाएगा। आत आदेश लगते ही हम जानते हैं, और इसके रूप कैसे चलते हैं, राम की तरह ही रूप चलते हैं, रामात रामाभ्याम रामेभ्या, ऐसे ही उपकृष्णात, ठीक है। अब ये समझ में आ जाएगा, आत आदेश हो जाएगा और आत आदेश होते ही ये पूरा रूप बन जाएगा। उपकृष्णात दीर्घ संधि लग जाएगी इसमें, उपकृष्ण और आत्म बन जाएगा उपकृष्णात, ये कृष्णाभ्याम है, ठीक है, उप कृष्णाभ्याम उप कृष्णेभ्य, ठीक। षष्ठी विभक्ति में फिर वही आ जाएगा, उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सप्तमी विभक्ति में विकल्प से उपकृष्णम 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 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन तृतीय और सप्तमी विभक्ति में हम जानते हैं विकल्प से अम का निषेध हो जाता है, यानी कि अम आदेश भी होता है और नहीं भी होता, नहीं होता उसकी स्थिति में क्या होगा, उप कृष्ण शब्द है और हम जानते हैं कि नी जो होता है वो सप्तमी में प्रयोग होता है, जैसे ये प्रयोग होगा तो इसका बचेगा ई, ई बचेगा तो इसका इसके साथ में क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा, गुण होते ही उपकृष्णे रामे रामयो रामेशु, यही तो रूप चलते हैं, तो बस यही जिसमें चलेगा उपकृष्णे उप कृष्णयो उप कृष्णेशु, ठीक है। बिल्कुल राम की तरह रूप चलाने हैं, किस किस में राम की तरह रूप चलेंगे, वैसे तो उसके रूप चलते ही नहीं है, लेकिन तृतीया में विकल्प से उपकृष्णम भी रहेगा, उपकृष्णम भी उपकृष्णम भी, और विकल्प में राम की तरह रूप चला दीजिए, उपकृष्णेन उपकृष्णाभ्याम उपकृष्णाई। चतुर्थी में फिर वही रहेगा, पंचमी में विकल्प नहीं रहेगा, इसमें निषेध ही कर दिया है अम का, अम का निषेध करने पर सीधे उपकृष्णात उपकृष्णाभ्याम उपकृष्णेभ्या राम की तरह ही रूप चलेंगे। षष्ठी में फिर वही रूप चलेंगे सीधे सीधे उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम, और सप्तमी में उपकृष्णे उपकृष्णयो उपकृष्णेषु राम की तरह चलेंगे। संबोधन में सेम राम की तरह चला लीजिए आप, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह से ये मैंने एक उपकृष्णम की रूप की सिद्धि आपको बताने का प्रयास किया, और यहां पर उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कोई चीज छोड़ी है, फिर यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना, क्योंकि बड़ी बारीकी से देखता हूं कभी कभी फिर भी छूट जाती है चीजें, ठीक है, देख लेता हूं एक बार और, ठीक है। और आपको कितना ये पसंद आता है ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये अवगत कराते रहें कि मेरा जो अध्ययन कराने का तरीका है या मैं अध्ययन जो करा रहा हूं वो आपकी समझ में आता भी है नहीं आता। यदि कमेंट मिलते रहते हैं तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है, कमेंट नहीं मिलते तो ऐसा ही लगता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। इसीलिए मैंने एक महीने तक वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ समस्या आ रही थी और कुछ मन भी नहीं किया, क्योंकि पढ़ने वालों की अगर संख्या होती है थोड़ी सी ज़्यादा या कमेंट ज़्यादा आते हैं या लाइक ज़्यादा आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अन्यथा तो मन मर्जी है, ये मन की इच्छा होती है तब मैं बना देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ये तो मन की बातें हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा है इसमें तो ऐसे लोगों को शेयर करिए जिनको किसी ना किसी कारणवश पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं, किसी ना किसी कारण उनको कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में अक्सर देखा है मैंने
जिसके पास पैसे की कमी होती है वो ज्यादातर संस्कृत लेता है, मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है अमीर भी लेते हो, अमीर लोग तो सिर्फ बीटेक पीटेक जाकर के कर लेते हैं, एम टेक है, बी टेक है, बी सी ए, एम सी ए, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन जो गरीब तबका होता है, गरीब तबके के लोग जो होते हैं उनको नहीं मिल पाती है किसी कारण से व्यवस्थाएं, तो उनको यदि आप शेयर करेंगे, मैंने शायद चैनल का जो उद्देश्य बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि मैं जो कुछ भी अपनी तरफ से कर सकूं, जो कुछ भी उनको दे सकूं, कुछ तो लाभ देगा ही देगा, अध्ययन में जितना लाभ दे सके उतना ही बहुत है, और आपका फर्ज बनता है कि आप उनको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।